यार आज का वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, ठीक है। एंड हमारी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि पता है यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हर यूट्यूबर्स का ड्रीम होता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। एंड मैं जो आप लोगों के लिए डेली यूट्यूबर्स का न्यूज ला रहा हूं भाई। सो हे गाइस, न्यूज बॉयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं प्ले ग्राउंड के बारे में। इसके बारे में आपको पता होगा, ये गेमिंग एंटरटेनमेंट शो होगा जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे ट्रिगर्ड इंसान, कैरमिनाटी, मॉर्टल एंड स्काउट। अभी इसका जो ट्रेलर आउट हो चुका है, हमें पता चल गया है कि एग्जैक्टली ये शो क्या होने वाला है। आप जाके वो ट्रेलर देख, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। बेसिकली कैरमिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, स्काउट एंड मॉर्टल मेंटर्स होंगे, एंड उनके जो है 4 टीम्स होंगे। यस, एंड वो कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ। इसके जो है 7 एपिसोड्स होंगे, एंड इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज होगा 9th of May 12:30 PM को, मतलब कि आज 12:30 बजे जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक तो शायद आ भी गया होगा। एंड जो टीम जीतेगी उनको मिलेगा 50 लाख रुपीज का विनिंग प्राइज। यस, ये काफी सही होने वाला है, क्योंकि चारों यूट्यूबर्स जो है जज बने हुए हैं, एंड उनके साथ जो टीम्स होंगे वो भी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स ही है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। रॉक के बारे में, इनको तो आप सब लोग जानते होंगे, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। तो नहीं, एक रील्स पोस्ट किए थे जहां पर वो कृष्णा का एक ट्रैक था ओवरड्राइव करके, उस ट्रैक का जो है वर्स को वो यूज किए थे, मतलब बैकग्राउंड में चल रहा था वो म्यूजिक। तो उसके ऊपर जो कृष्णा रिएक्ट किए, वो लिखे, आया मैं कहां से, देखो पहुंचा मैं कहां पे। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं संदीप महेश्वरी के बारे में। तो संदीप महेश्वरी एक फनी पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर, ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो, जहां पर लिखा हुआ, वॉचिंग टू मेनी मोटिवेशनल वीडियोस कुड बी इंजरियस टू योर हेल्थ। आप देख सकते हो बंदर जो है संदीप महेश्वरी का वीडियो देख रहा है, वीडियो उसमें इतना मोटिवेशन आ गया कि भाई वो लायन को अटैक करने जा रहा है भाई। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं सलोनी गौर के बारे में। ये अपने इंस्टाग्राम पर एक रील्स पोस्ट की, बेसिकली वो वीडियो जो आशीष चंचलानी के ऊपर था, ट्रोल ऐसे ही कर रही थी वो। तो उसके कैप्शन में वो लिखी, भूल चूक माफ आशीष चंचलानी। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, आप देखिए। ये मार्वल वाले क्या मूवी बनाते हैं, क्या मूवी बनाते हैं, अरे पूछ रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता क्या मूवी बनाते हैं। मैं थिएटर में पिक्चर देखने गया और लोग उधर ताली पीट रहे थे, बोला ये कैसे हुआ, लेकिन फिर जाके देखा कि ताली नहीं, लोग सर पीट रहे थे, कह रहे बाप रे ये कौन सा पिक्चर देखने आ गए हम लोग। 100 बार वो पिक्चर देखा, 100 बार, क्योंकि 99 बार मेरे को समझ में ही नहीं आया। ईस्ट और वेस्ट, DC इज द बेस्ट। वो बैटमैन कितना सही लड़का है, उस लड़के को माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, सारा प्रॉपर्टी उसका है, फिर भी वो लड़का मेहनत करता है। अरे उस लड़के ने तो अपने ह्यूमंस ऑफ गॉथम में एक सैड स्टोरी तक नहीं छपवाया। अभी कोरोना में कैसे बैटमैन की फैमिली को इतना ट्रोल किया, उसकी फैमिली का इतना इमेज खराब हुआ, लेकिन कभी इसने एक पोस्ट तक नहीं डाला कि गाइस माय ऑडियंस इज सो टॉक्सिक, कभी एक स्टोरी भी नहीं डाला कि दिस हैज बीन अ टफ ईयर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी कैसा रहता है कि हम लोग को अपने बूढ़े दादू लोग का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इसके दादू एल्फ्रेड वो इसका उल्टा ख्याल रखते हैं। और तुम लोगों ने देखा होगा कि कैसे उनका पूरा पिक्चर अंधेरे में ही शूट हो जाता है, तो टेंशन ही नहीं रहती है कि बिजली का बिल किसका बाप भरेगा। इसके बाद जो आशीष चंचलानी भी वो वीडियो के ऊपर रिएक्ट किए, वो लिखे, सलोनी गौर बजाओ सब बजाओ मेरी सालो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई जोगिंदर आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है, आपको पता होगा वो एकदम से इनएक्टिव हो गए पिछले बहुत टाइम से, लेकिन वो फेसबुक पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। यस, रिसेंटली वो अपने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया, शायद वो लाइव आए थे, जहां पर वो बताया कि उन्होंने जो अपना नया घर बनवाया है, एंड वो वीडियो का जो थंबनेल है वहां पर लिखा हुआ है कि वो घर जो है 1 करोड़ रुपए का। यस, वहां पर उस वीडियो में वो अपना घर दिखाया, ऑल्सो उनकी माँ का रिएक्शन दिखाया, ऑल्सो वो भी थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो गए थे, क्योंकि उनके फादर जो है जब वो 2.5 साल के थे तब एक्सपायर हुए थे, एंड पाल पोस के इतना बड़ा किया उनकी माँ ने, आज उन्होंने इतना बड़ा घर बनवाया है। तो मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाया था उनके वीडियो का, अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो कैसे हो सारे भाई, भाई आज अपना नया घर बन गया है, तो मैं भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं अपना घर, जिसको बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और मैं कह सकता हूं कि तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास, और बहुत ही गरीबी में रहे थे। मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि हमारा पुराना घर कौन सा था, और मैं आप लोगों को अब ये भी दिखाऊंगा कि हमारा नया घर कौन सा बना है। और सारे भाई को थैंक यू सो मच है दिल से, हिंदुस्तान के जितने भी भाई है सबको थैंक यू। मैं आप लोगों को पहले तो अपना पुराना घर दिखाऊंगा, ये पुराना घर है भाई। तो भाई ये अपना नया घर है, आप लोग देख लो, एक बार देख सकते हो, ये बनाया भाई नया घर। तो भाई यहाँ से एंट्री है और मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा घर। नीचे एक कमरा ये रहा सामने, जहाँ पर अभी हवन का काम होएगा, और सामने आप देख सकते हो एक कमरा ये रहा सामने, यहाँ पर अपना भाई लेटा हुआ है, और एक कमरा भाई यहाँ पर है, और पीछे आप लोग देख सकते हो पूरा भाई बढ़िया अपने हिसाब से आप लोगों की सपोर्ट से बहुत अच्छा घर बनवाया है। और भाई पीछे लैट्रिन बाथरूम है ये भाई। इस घर को बनाने के लिए ना दिन रात एक किया मेहनत किया थारा भाई जोगिंदर ने, तब जाकर आज ये घर बनाया, वरना एक कमरे में रहा करते थे कभी हम, हमारी फैमिली एक कमरे के अंदर रहा करती थी। और आज के टाइम में आप लोगों की सपोर्ट के कारण आज 3 मंजिल घर बना दिया आपके भाई ने।
मेहनत की है भाई, मेहनत आप लोगों की सपोर्ट के कारण। बस भाई ये अपनी मेहनत की कमाई का एक छोटा सा घर बनाया था अपनी मम्मी को खुश करने के लिए। ये मेरी मम्मी है। मम्मी जी पूरा देश आपको देख रहा है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आपके बेटे ने और आपकी मेहनत से इतना घर बना। भाई मेरी मम्मी ने बहुत दुख दर्द देखे थे और आज इसी माँ के कारण, इसी माँ के आशीर्वाद के कारण आज मेरी मम्मी का सपना पूरा हो गया कि उसके बेटे ने और मेरी मम्मी की मेहनत से आज हमने एक छोटा सा घर बनाया आप लोगों के साथ खुशियां शेयर करने के लिए। चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुना और फारूकी के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया कि मुना और फारूकी जो लॉकअप शो को जीत चुके हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए राउंड 12 के नाजिम एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। सो बिग बिग एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू माय ब्रो मुनावर फारूकी। क्या ही बताऊं, मतलब पिछले 2-3 महीनों से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही हर जगह खबर है, तो यू टोटली डिजर्व इट ब्रो। एंड ट्रॉफी के लिए बहुत 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 मुबारकबाद हो एंड लव यू भाई। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं दीपेंद्र सिंह के बारे में। इनको तो आप सब लोग जानते होंगे, छोटी बच्ची हो क्या मीम वाले बंदे ये। इनका जो एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर वो व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो कल जो वो व्लॉग अपलोड किए वहाँ पर वो बताया कि कैरम नाडी जो अपने सेकंड चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उस टाइम पे जो उन्होंने छोटी बच्ची हो क्या बोला था उसके ऊपर वो रिएक्ट किया। उस वीडियो का टाइटल भी है कैरम नाडी ने भी बोला छोटी बच्ची हो क्या। मैं उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। अभी मेरे पास चश्मा नहीं लेकिन मैं कैरम नाडी हूँ, तो मैं भी बोलना चाहता हूँ छोटी बच्ची हो क्या, तो कैसा लगेगा मोह भाई? छोटी बच्ची है क्या बोलो? छोटी बच्ची हो क्या? तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं आमिर डेन के बारे में। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इनका जो एक यूट्यूब चैनल भी है द बैग एंड वाइंस करके, तो इनका जो ये वाला चैनल है आमिर डेन वाला जिसपे 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, इस चैनल के एक वीडियो में जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया उनको, यस, एंड वही चाइल्ड पॉलिसी का कुछ इशू की वजह से। एंड वो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया बताते हुए कि उन्होंने ऐसा कुछ भी वीडियो के ऊपर रिएक्ट नहीं किया था, जो भी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी है उनके ऊपर वो रिएक्ट किया था, उनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया। और यहाँ पर वो बताया कि तन्मय भट्ट भी जो है वैसे टाइप के वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते हैं जिसपे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज है लेकिन उनको कुछ नहीं होता है, एंड छोटे क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है वो बताया। मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं आप लोगों को। इंटरनल टीम जो चीज करी ना मेरे साथ, मेरा तो कंप्लीटली दिल तोड़ गया इसके बाद। मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बड़ी यूट्यूबर्स इंडिया के जो पैन लेवल पे चलते हैं और इनके ऊपर तकरीबन 4-5-6-10 कितने मिलियन व्यूज है पता नहीं, इनको कुछ नहीं होता। आप लोग को लिटरली लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। मुझे इन्होंने ये बताया था यूट्यूब टीम ने कि चाइल्ड सेफ्टी, इधर वो इमोशनली स्ट्रेस हो या फिजिकली कुछ उनके ऊपर हो रहा हो या कुछ भी, चाइल्ड सेफ्टी के अगेंस्ट वो वीडियो सीधा टेक डाउन कर देते हैं। नॉट टू हेट तन्मय भट्ट, बट मैं सर्टेन चीज़ें दिखाता हूँ तन्मय भट्ट के चैनल पे जो कि चाइल्ड सेफ्टी के अगेंस्ट है, मगर ये बड़ा यूट्यूबर है, 6-7 मिलियन व्यूज़ है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वर्स्ट स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेज है, और अब आप ये क्लिप देखो, स्टूडेंट्स है क्योंकि ये लोग स्टूडेंट्स को जो भी क्लासरूम है ये लोग माइनर काउंट करते हैं यूट्यूब टीम। अब यहाँ पे देखो लड़कियाँ लड़ रहे, एक दूसरे को मार रहे, मारम तोड़ी हो रही है लोग की, और मतलब ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं तन्मय भट्ट इनकी टीम हंस रहे कर रहे हैं, ठीक है, बट तकरीबन 7 मिलियन व्यूज है और यूट्यूब ने कुछ नहीं करता सिंस चिल्ड्रेन इन्वॉल्व है इसके अंदर, बच्चे लोग है। तन्मय भट्ट एंड टीम हंस रही है, चलो कोई बात नहीं, दे आर रिएक्टिंग टू अ वीडियो, नॉट अ प्रॉब्लम, मगर यूट्यूब इन्हें कैसे अलाउ किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स था और उतना बड़ा सीन भी नहीं था मेरे पास जो कि चाइल्ड सेफ्टी वगैरह के अगेंस्ट खेले। अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपने बर्थडे के दिन दिखाए थे कि उनका चैनल 2012 से लेकर जो अभी तक कितना ग्रो हुआ है, आप देख सकते हो, मतलब कि यहाँ पर वो व्यूज दिखाए कितना ग्रो हुआ उनका। 2012 में जो है 15,000 व्यूज मिला था, एंड अभी उनके वीडियोज में कितना व्यूज आ रहा है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो उसके ऊपर यहाँ पर अंकुर वारी को भी रिएक्ट किया, वो लिखे विजुअलाइज्ड, इट शोज द पावर ऑफ योर पेशेंस फॉर 6+ years, रिस्पेक्ट, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पर अंकुर वारिकु से रिलेटेड एक न्यूज है, उनका बुक है आपको पता होगा डू एपिक शिट, तो उसको जो एक बंदे ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो वहाँ पे जब उसने बुक खोला तो वहाँ पे जो एक सिग्नेचर था, ठीक है, एंड वो ट्वीट करके अंकुर वारिकु को टैग किया एंड पूछा कि क्या वो सिग्नेचर जो रियल है। तो उसका जो अंकुर वारिकु रिप्लाई किया ये फेक है, मतलब कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। तो उसका जो ध्रुव सनवाल रिप्लाई किए, फनी हाउ फ्लिपकार्ट इज सेलिंग दिस फेक कॉपी सो प्राउडली, वारिकु सर इवन आई डिडंट न्यू दैट ओनली हार्ड बैक आर द ओरिजिनल वंस। उसका अंकुर वारिकु रिप्लाई किया, वी हैव रिपोर्टेड इट सो मेनी टाइम्स, इट्स ट्रेजिक दैट Flipkart has not done anything to bring this listing down. तो भाई समझ सकते हो आजकल कैसे कैसे टाइप के मतलब फ्रॉड हो रहे, स्कैम्स हो रहे, बच के रहना भाई लोग, है ना भाई। चलिए अगले अपडेट के बारे में आपसे मिथपैट के बारे में। मिथपैट अपने यूट्यूब पर एक पोस्ट किए, आई एम ऑन आईलैंड शूटिंग वन ऑफ माय बिगेस्ट वीडियोस व्हिच विल कम इन फ्यू मंथ्स, पोकेमॉन नेक्स्ट एपिसोड सून, आल्सो पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2। यहाँ पर वो बताया कि वो जो एक आईलैंड में एक बिगेस्ट वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि कुछ महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में आपसे थंबनेल मेकर के बारे में। आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर जो हायर करते हैं थंबनेल मेकर्स को,
को जो मतलब उनके लिए थंबनेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ना एक बंदे ने ट्वीट किया था, यूट्यूबर्स तुम कितना पे करते हो थंबनेल मेकर्स को, है ना, क्योंकि एक थंबनेल बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है क्वालिटी थंबनेल बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये बोल रहे थे 300-350। तो उसका यहाँ पर आर्यन अनुराग रिप्लाई किए, वो बताए कि यूट्यूबर जो 300-350 पे करते थंबनेल मेकर्स को, जबकि वो एक स्पॉन्सर से 1-2 लाख रुपए लेते हैं, जबकि थंबनेल का जो बहुत बड़ा रोल रहता है एक वीडियो में व्यूज लाने के लिए। यहाँ पर वो बताए कि स्टॉप वर्किंग फॉर लेस और फ्री, अंडरस्टैंड योर वैल्यू एंड चार्ज मनी। तो अगर आप ये ट्वीट्स पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब नियॉन मैन के बारे में। तो नियॉन मैन चाहता है कि यूट्यूबर्स का जो एक आईपीएल वर्जन हो, यह शायद से हो भी सकता है, वो एक ट्वीट किया, यूट्यूबर्स का आईपीएल वर्जन होना चाहिए, मजा आएगा, क्या बोलते हो टोटल गेमिंग, आप तो फुल मास्क लगा के आना। उसका जो टोटल गेमिंग रिप्लाई किया, अरे बिल्कुल, अभी कुछ टाइम पहले मैं बताया गेमिंग एंटरटेनमेंट शो आ चुका है, यूट्यूबर्स जो है जज बन चुके हैं, तो हो सकता है भाई यूट्यूबर्स का भी जो आईपीएल वर्जन हो, है ना, आईपीएल है ना, यूट्यूबर्स प्रीमियर लीग। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। बीस्ट बॉय शुभ कल जो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए, वो वीडियो तो वो अपलोड कर दिए, वो ट्वीट किए, बेसिकली वो वीडियो जो है एक दिन पहले ही वो अपलोड करना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब ने जो प्रोसेसिंग एचडी वर्जन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, एक दिन लगा दिया, तो उसके लिए जो थोड़ा सा लेट हो गया। आजकल पता नहीं भाई यूट्यूब का प्रोसेसिंग टाइम कभी कभी बहुत ज्यादा लग जाता है, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब लक्ष्य चौधरी के बारे में। लक्ष्य चौधरी जो है डोमिनोज से खुश नहीं, वो एक ट्वीट किए, डोमिनोज गेटिंग वर्स टू वर्स इन डिलीवरिंग पिज्जा। एंड आप देख सकते हो वो डोमिनोज का टैग भी किए, आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है क्या, मतलब आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हो एंड बहुत ज्यादा लेट आता है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।